नमस्कार, पेपरी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। श्योपुर जिले में पिछले 24 घंटे से हुई बारिश से मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां एक ही दिन में 122 मिलीलीटर बारिश हुई है। लगभग 200 साल पुराना श्योपुर का रघुनाथपुर डैम फूट गया, जिससे करीब 300 बीघा जमीन में लगी फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा श्योपुर का आपदा डैम भी ओवरफ्लो चल रहा है, उससे आसपास की बस्ती में पानी घुस गया है। यहां के करीब 60 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं जिला प्रशासन भी तमाम इलाकों का निरीक्षण कर जायजा लेने में जुटा है। जिले के सीप, पार्वती, कुनो, दोनी, चंबल, मौल, डूंगरी और बामिदा नदी उफान पर है, जिस वजह से कोटा शिवपुरी जाने वाले रास्तों से संपर्क टूट गया है। प्रशासन का राहत कार्य जारी है। पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू टीमें बाहर निकाल रही हैं। साथ ही प्रशासन ने बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।